तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बना सॉलिडवर्क्स में किस तरह से इसको बनाते हैं। और सिंपली हमने इसमें यूज़ किया है बॉस एक्सट्रूड मिड प्लेन से, और उसके बाद हमने इसमें यूज़ किया है सेल का। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक राइट प्लेन, करते हैं क्लिक स्केच, और इतना करने के बाद क्रिएट कर लेते हैं प्रोफाइल। तो सिंपली क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लेते हैं लाइन टूल, क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद लेते हैं हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, ओके, और उसके बाद इस तरह से अलाइन लेने के बाद इसको करते हैं यहाँ पर हम क्लोज, ओके, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। इस वाली लाइन को लेते हैं जो कि हमको लेना है इसको यहाँ पर 100, ओके करते हैं इसको। तो सिंपली ओके करने के बाद देते हैं ये वाले डायमेंशन जो कि हमको रखना है इसको 25, करते हैं 25 एंटर, ओके। और इतना करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस जो कि हमको रखना है ये 10। तो सिंपली इसको देने के बाद ओके करते हैं और लेते हैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को, क्लिक करते हैं दोनों पॉइंट्स को या फिर लाइन को भी ले सकते हैं, और ये हमको लेना है यहाँ पर 18। 18 देने के बाद करते हैं इसको ओके। इसके बाद लेते हैं यहाँ पर हम इस इंक्लाइन लाइन को और इस वाली लाइन को, दोनों के बीच का देते हैं यहाँ पर एंगल जो कि हमको अपना है 130। 130 करते हैं एंटर, करते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद हमको करना है इसको एक्सट्रूड मिड प्लेन से। तो सिंपली मिड प्लेन से एक्सट्रूड करने के लिए फीचर्स में आएंगे और करेंगे इसको एक्सट्रूड बॉस बेस पर क्लिक, और यहाँ पर हमको लेना है मिड प्लेन को, करते हैं सिलेक्ट और लेते हैं यहाँ पर 100, और इसके बाद करते हैं यहाँ पर हम ओके। तो कुछ इस तरह से हमारा मिड प्लेन में एक्सट्रूड हो जाएगा, ओके। इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर फिलेट का एक टूल, और उसके बाद हमको इन दोनों कॉर्नर्स पर जो आगे की तरफ दिख रहे हैं इनको हमको फिलेट देना है 10 का। तो फिलेट टूल पर करते हैं क्लिक, क्लिक करने के बाद लेते हैं इस वाली एज को सेम एज इट इज़, इस साइड के एज को लेते हैं और कर देते हैं यहाँ पर इसको ओके। इसके बाद पीछे की दोनों एजेस को लेंगे और उसको हमको देना है 18 फिलेट, अगेन करते हैं क्लिक फिलेट पर। इसके बाद पीछे की दोनों एजेस को सिलेक्ट करना है, तो क्लिक करते हैं इस वाली एज पर और इसके बाद रोटेट करेंगे और लेते हैं इस वाली एज को और दोनों को दे देते हैं यहाँ पर 18 एंटर करते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा प्रोफाइल, और इतना करने के बाद हमको यहाँ पर सेल करना है। तो सेल टूल पर करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर 3 फेस लेने हैं, इंश्योर करके हमारा ये वाला जो हमारा एरिया है वो एक्टिवेट हो, और इसके बाद करेंगे इस वाले फेस पर क्लिक। इस वाले फेस को लेते हैं और इस यानी कि हमारे 3 फेस हो गए, फेज 1 फेज 2 और फेज 3। तीनों को लेने के बाद एंटर करते हैं यहाँ पर 3 थिकनेस के लिए और कर देते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद जो हमारा ये वाली थिकनेस है वो 3 रह जाएगी और बाकी का पोर्शन हमारा सेल हो जाएगा। तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं यहाँ पर फिलेट टूल, फिलेट टूल लेने के बाद एजेस को लेते हैं यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं, कुछ जूम करेंगे और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं एजेस को जो कि हमको रखना है इसको 5, और देते हैं सेम एज इट इज़ आगे की एजेस को भी सेलेक्ट करते हैं, इस एज को और इस वाली एज को ओके करते हैं इसे। तो सिंपली ओके करने के बाद अगेन हमको यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करना होगा, ये जो आप राइट का फेस देख रहे हैं इससे, तो सिंपली राइट फेस पर करते हैं क्लिक, रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे और प्लेन पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर हमको प्लेन जो क्रिएट करना है वो करना है 16 के डिस्टेंस पर, एंटर करते हैं 16। फ्लिप साइड में हमको लेना है, तो फ्लिप ऑफसेट करेंगे, हमारा प्लेन फ्लिप साइड में क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद करेंगे इसको ओके, सिंपली ओके करने के बाद इस वाले प्लेन पर हमको करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद करेंगे स्केच पर यहाँ पर क्लिक, और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क, नीचे वाले इस पॉइंट को लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोफाइल को कर देंगे क्रिएट। और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेना है इस वाले पॉइंट को जो कि आप देख रहे हैं,
और नीचे वाले इस पॉइंट को, दोनों के बीच का रिलेशन देंगे जो कि हमको रखना है वर्टिकल। अगेन लेते हैं लाइन, क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल एंड देन आफ्टर इंक्लाइन लाइन लेते हैं। इसके बाद इन दोनों लाइन और आर्क को लेंगे और दे देंगे यहाँ पर इसको टेंजेंट, मेक टेंजेंट पर करते हैं क्लिक, इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, इसको ड्रैग करेंगे आगे की तरफ। इसके बाद अगेन लेते हैं फिलेट, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर एज इट इज, ओके, एट करते हैं और एंटर करते हैं। और इसके बाद सेट करेंगे, सेट के लिए क्लिक करेंगे इस वाली एज पर और इसके बाद करेंगे हम इसको यहाँ पर, तो ये जो ऑफसेट लेना है वो लेना है हमको 5, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कैप एंड पर हमको चेकबॉक्स पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे दो रेडियो बटन एक्टिवेट हो जाएंगे, एक आर्क्स और सेकेंड होगा हमारा लाइन्स का। तो हमको इसमें लाइन वाला रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है, तो रेडियो बटन को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे लाइन्स को, तो ये इस तरह से लाइन में क्रिएट हो जाएगा। यदि हम इसको आर्क क्लिक करते तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर आर्क क्रिएट हो जाएगी, जो भी हमारा एंड पॉइंट्स दोनों, तो नीचे की तरफ भी हम देखें तो यहाँ पर आर्क क्रिएट होगी, बट हमको यहाँ पर चाहिए लाइन, तो लाइन पर क्लिक करेंगे और कर देंगे इसको ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद करेंगे इसको एक्सट्रूड, जो कि हमको करना है ये पिक्चर से आने के बाद एक्सट्रूड बॉस बेस पर क्लिक, और ये हमको एक्सट्रूड करना है 25। क्लिक करते हैं यहाँ पर 25, एंटर, हमने इसमें मिड प्लेन सिलेक्ट किया हुआ है, ब्लाइंड को करते हैं सिलेक्ट, और रिवर्स के लिए हम यहाँ पर करेंगे डायरेक्शन वन में रिवर्स डायरेक्शन, और इसके बाद करते हैं इसको ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद हमको इसमें जो हमारा मिड प्लेन होगा उससे इस वाले हमारे फीचर को, जो कि हमारा बॉस एक्सट्रूड 2 वाला फीचर है, इसको मिरर करेंगे दूसरी साइड में। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम रेफरेंस के लिए राइट प्लेन को, इसके बाद मिरर टूल पर करेंगे क्लिक, और इसके बाद हम फीचर टू मिरर पर करेंगे यहाँ पर क्लिक। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं मिड में, इस पर क्लिक करने के बाद हमको जो फीचर है हमारा बॉस एक्सट्रूड 2 उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद करते हैं यहाँ पर ओके, तो ये हमारा इस तरह से मिरर हो जाएगा। प्लेन पर करेंगे क्लिक हाइड करने के लिए, हाइड कर देंगे। आई पे क्लिक करने के बाद मिरर और बॉस एक्सट्रूड 2 को लेंगे, अपीयरेंसेस पे जाएंगे, मिरर वन पर क्लिक करना है, देन आफ्टर इसको टेक्सचर दे देंगे। तो टेक्सचर देने के लिए सिंपली हमको यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास शो होंगे, इसमें आएंगे और इसमें हम क्लिक करेंगे यहाँ पर पेंट कार, डबल क्लिक करने के बाद क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, ओके करते हैं। तो सेम एज इट इज बॉस एक्सट्रूड से लेके फिलेट तक सभी को लेना है स्विफ्ट प्रेस करने के साथ। उसके बाद अगेन आएंगे अपीयरेंसेस में और यहाँ पर ले लेते हैं हम कैंडी एप्पलेट, कंट्रोल 7 करते हैं इसको। कंट्रोल 7 करने के बाद अब देखेंगे कि जो हमारा मॉडल कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।